कास्टिंग शो है ना, उसी के बारे में डिस्कस कर रहे थे। हाँ हाँ, और क्या, इस शो के बाद मेरी पहना मुना सेलिब्रिटी डिजाइनर बन जाएगी, है ना? वो तो शो के बाद ही पता चलेगा। और हाँ, हम ना इस शो के पासेस मंगा लेंगे, सबके सब शो देखने चलेंगे, है ना चीचू? नहीं, वो मुझे जरूरी मीटिंग के लिए जाना है, तो मैं नहीं आ पाऊंगा, लेकिन आप सब चले जाओ। आज तुम ऑफिस नहीं गए? आज संडे, सॉरी, आज तो तुम्हें मुझे झेलना ही पड़ेगा। जी सर जी, तुसी बिल्कुल भी परेशान ना हो। हाँ वो नहीं नहीं, कॉस्ट्यूम माल फंक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा, मैं हूँ ना वहाँ पे। हाँ मैं पर्सनली जाके चेक कर लूंगी, और मास्टर जी वहाँ पे रहेंगे। हाँ अच्छा सर जी, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ, वो मुझे वर्कशॉप जाना है ना, सब चेक चेक करने। ओके बाय। अनुकल तुम्हें हो क्या गया? तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो? तुम्हारे कहने पर ही तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था ना फैशन शो के लिए, और तुम मुझे सपोर्ट करने के बजाय मुझसे बात तक नहीं कर रहे हो। आज मैं इतनी अकेली पड़ गई। अकेली? ये अकेलापन तुमने खुद चुना है मोना, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। किसी के इतने करीब जाना अच्छा नहीं है कि सबका साथ छूट जाए। अनुका तुम परमीत जी, आपका भाई अभी तुम कहां गई थी? वो मोना अनुकल जीजू को एनिवर्सरी पर सरप्राइज देने का सोच रही है, उसी की तैयारियां कर रहे थे। ये क्या हूं लगा रखा, सुनाई नहीं देता मैं क्या कह रही हूं? तुम्हारी बातें सुनने के अलावा आजकल करता क्या हूं मैं? सुनना तो दूर, आप तो मेरी तरफ देखते भी नहीं। मुझ में दिलचस्पी खत्म हो गई है क्या? आपका गुस्सा आपको मुझसे क्या सबसे दूर कर रहा है, और मैं तुम्हारे कारण अपने परिवार से दूर हो चुका हूँ। उसका क्या, उसकी कोई परवाह नहीं है तुम्हें? जब देखो मेरे वीर जी मेरी मोना यही लगा रखा है, ना तुम्हें मेरी परवाह है ना तुम्हारे परिवार वालों को। वो भी हमसे उतना ही प्यार करते, वरना अपना पहला बच्चा किसी को दे देना कोई मामूली बात नहीं होती। नहीं चाहिए मुझे उनका बच्चा, बच्चा बच्चा बच्चा, जब देखो बच्चा। प्लीज उनको कह दे कि मुझे उनका बच्चा नहीं चाहिए, प्लीज चलो यहाँ से निकलते हैं। अगर आपको वो बच्चा नहीं चाहिए तो ना से, मुझे तो चाहिए ना, और वैसे भी मैं नहीं जा सकती, वरना हिता भाभी की देखभाल कौन करेगा? उनकी डिलीवरी होने तक मैं कहीं नहीं जा सकती, और मैं भी इस घर में नहीं रह सकता। करण के साथ एक छत के नीचे रहने में मेरा दम घुटता है, समझी तुम? मोना पुत्र, समझ में नहीं आ रहा कि मेरा पूछना ठीक है कि नहीं, लेकिन घर में सब ठीक है ना? अनुकल्प और भारती बहन जी थोड़े बदले हुए से लग रहे हैं। वो झल्ला है ना, वो तो मुझसे इसलिए नाराज है क्योंकि उसे लगता है कि मुझे एनिवर्सरी याद नहीं है। अच्छा है, वो ठीक हो जाना है, बाद में जैसी पार्टी वार्टी देखेगा खुश हो जाएगा एकदम। अंबा जी का मैंने कुछ समझ में नहीं आता है, पर हाँ मासी जी के साथ मुझे कोई प्रॉब्लम लगती है। ऐसा लगता है जैसे वो दोनों के बीच में कुछ तो प्रॉब्लम है, समझ नहीं आता है आखिर बात क्या है। मैंने पता तो लगाना पड़ेगा मम्मी जी, जैसे ही मेरा शो खत्म हो जाएगा ना उसके बाद में पता लगाऊंगी आखिर बात क्या है।